देश की सर्वोच्च अदालत में बैठे हुए न्यायमूर्ति हमारे सुधांशु गुलिया जी एवं हेमंत गुप्ता जी की डबल बेंच ने जो आज बटा हुआ आदेश दिया है उसको लेकर हिंदू महासभा का कहना है कि जिस प्रकार से अस्पताल में एक ड्रेस कोड होता है, सभी लोग एक ही ड्रेस में रहते हैं, अदालतों में जो वकील रहते हैं उनकी सभी की एक ड्रेस होती है, उसी तरीके से शिक्षा संस्थानों में सभी की एक ड्रेस कोड होनी चाहिए, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, वो सभी लोग अपनी ड्रेस से पहचाने जाते हैं ना कि धर्म से। हम सब भारतीय हैं और भारतीय जो हमारे पूरे देश के विद्यालय हैं उन सब में जो कॉलेज का ड्रेस कोड हो उसको हम सभी को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट और हमारा मजहबी हक है, और यही बात आज जस्टिस धूलिया साहब ने भी अपने फैसले में कही है, और मुझे लगता है कि जस्टिस धूलिया साहब ने जो बातें कही हैं वो ऐन कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक हैं, और हिजाब के ताल्लुक से यकीनी तौर पर इन बातों को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हिजाब का ताल्लुक मजहब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि के बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए, और इस ताल्लुक से अगर हमारे जज फैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रखकर बात करते हैं तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मजहब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धूलिया साहब के ही फैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं, और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा, और वह एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आर रिलीजन है, और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें, लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है।